करो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे सॉरी सर आफ्टर यस्टरडे आई टॉट यू अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ टू चेंज ए गिवन सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसफॉर्म ए गिवन सेंटेंस इन ए बैरर एंड मैन। तो कल आपने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी और ये भी चर्चा की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन जिसको कहते हैं वो किस तरीके से किया जाता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा रिमूवल टू रिमूवल ऑफ टू, यानी ये टू जो है एडवर्ब है इसको रिमूव करना हटाना, इसका एक अपोजिट है वहाँ पर एडवर्ब टू को लगाया भी जाता है यहाँ पर लेकिन हटाया जाता है, उसकी दूसरी एक्सरसाइज होती है एडवर्ब टू को लगाते हैं। टूडे इज 12th ऑफ दिस मंथ, आज इसमें की 12 तारीख है। चलते अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को ध्यान से मानवली बुक्स लेकर के बैठना है, कॉपी लेकर बैठना है और बढ़िया ढंग से रजिस्टर को मेंटेन करना है, सारे रूल्स लिखना है, ग्रहकार दिया जाता है उसको करना है, आज जो दिया जाए उसको कल भेजना है, कल शनिवार को दिया गया तो उसका चेकिंग होगी। काम लगातार करते रहने से व्यक्ति में पालती जाती है। तो चलते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, इसकी क्या रूल है, मैं पूरे चैप्टर को पूरे रूल को रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू उसको कवर किया है मैंने, आशा है कि विश्वास है बल्कि कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आएगा। पहला रूल है जब किसी बात के कोई बात पहले सब्जेक्ट से संबंधित होती है, क्योंकि जब ध्यान में समझना है कि जब कोई बात कही जाती है सेंटेंस में पहला जो सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड बात हो तो दैट के बाद या था जो कंजक्शन दैट लगाए उसके बाद पहला सब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी टाइटल डस्टर के बी हेड पॉटी के मेरे एग्जाम्पल दिए हुए लाल की सहायता समझने की कोशिश करेंगे आप। दी लाइन वाज टू वीक टू हंट, शेर इतना कमजोर था, मैंने जैसा कि कल बताया था कि जो टू है वो नेगेटिव अर्थ रखता है, तो आप समझ गए होंगे परसों के वीडियो से परसों की टीचिंग से। द लाइन वाज टू वीक टू हंट, शेर इतना कमजोर था कि शिकार करने नहीं जा सकता था, इस बात को हमें दूसरी तरीके से कह लेना है। द लाइन वाज सो बी दैट, क्योंकि लाइन से संबंधित बात की गई है तो सब्जेक्ट ही दोहराएंगे। लोग प्रश्न कर देता विद्यार्थी की वही सब्जेक्ट क्यों रख दिया, तो उसका तोड़ है हमारे पास, रूल कह रहा है। तो दी लाइन वाज सो बी पास्ट में तो आज लगाया है, पास्ट में कुड लगाया, दी लाइन वाज सो बी दैट ही कुड नॉट हंट, इस तरीके से पहला रूल कवर होता है। दूसरा रूल देखेंगे विद्यार्थियों, जब किसी सेंटेंस में कोई बात सब्जेक्ट के लिए विशेष होती है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तब दैट के बाद वही सब्जेक्ट लिखा जाता है जिसके लिए बात विशेष होती है, अर्थात ऐसे वाक्यों में दैट के बाद अगर फॉर मी है तो उसको आई में चेंज करेंगे, फॉर अस को वी में, फॉर हिम को यू में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर देन को दे में, फॉर नाउन अगर कोई नाम लिखा है तो नाउन का नाम ही रहेगा, नाम ही रहता। तो आगे चलते जिसको एग्जाम्पल की सहायता समझने की कोशिश करेंगे, लिखा हुआ है दिस हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी, शकल बदल गई यहाँ पर कई विद्यार्थी वाक्य की, पहले आप देख रहे थे कि दी लाइन वाज टू वीक टू हंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दी हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई, यहाँ पर आके फॉर मी लग गया, तो फॉर मी को आप चेंज करेंगे आई में, अर्थात घर इतना कॉस्टली महंगा था कि मेरे लिए खरीदना, कहने का मतलब घर इतना महंगा है कि मैं उसे खरीद नहीं सकता, किसी नहीं खरीद सकते, घर को नहीं खरीद सकते, इसको बनाया गया है विद्यार्थी, दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाय इट, मैं नहीं खरीद सकता था और मी को मैंने आई में चेंज कर दिया। तीसरा रूल के विद्यार्थी देखेंगे, जब किसी वाक्य में कोई बात सभी के लिए समान रूप से कही जाती है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि आमतौर पर जंगल होती है कोई बात, तो वहां पर दैट के बाद वन सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी, सब्जेक्ट के स्थान पर वन लाते हैं। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि बाहर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है कि सभी के लिए सर्दी बाहर थी, मेरे लिए नहीं थी, तो इट वाज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट गो आउट, इस तरीके से। अगला लास्ट रूल है आज की टीचिंग का, जब किसी सेंटेंस में कोई बात सीमा से परे, इसको कहते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कोई बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए कि सीमा लांग जाए, सीमा से परे हो जाए, तो टू को हटाते जो है, लेकिन हटाते समय ध्यान रखना, हटाते हैं परंतु सो नहीं लिखते, जबकि वाक्य के अंत में एक फ्रेज जोड़ देते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें का प्रयोग करते हैं,
और इसका ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं करना तो इसका एक विकल्प भी हम आपको दे रहे हैं। इसको जैसे टू के स्थान पर ओवर या स्मूथली या एक्सेसिवली का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप नीचे उदाहरण लिखा है, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल द क्लास इज टू नॉइजी। यहाँ पर आप देख लेंगे केवल एडवर्ब टू आया है, इन्फिनिटिव टू नहीं आया। एक ही तरह तरह के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उनको समझना है, देखना, नोट्स बनाना है, रिकॉर्ड करना है। द क्लास इज टू नॉइजी यानी क्लास बहुत ज्यादा शोरगुल युक्त है, मतलब क्लास इतनी शोरगुल युक्त है कि सीमा से ज्यादा है, ओवर है, एक्सेसिवली है, एक्सट्रीमली है। तीन ऑप्शन है, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो हटाना नहीं जानते, थोड़ा कमजोर बेस है जिनका, तो सीधा सीधा आपको टू वहां से हटाना है और सीधे फिर जोड़ देना है। तो यहाँ से टू रिप्लेस किया तो नॉइजी आगे आ गया और सीधे फिर जोड़ दिया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और जो विद्यार्थी थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का बेस मजबूत है तो उनको वो करते हैं द क्लास इज ओवर नॉइजी या द क्लास इज स्ट्रीमली नॉइजी अथवा द क्लास इज एक्सेसिवली नॉइजी। सो आज सिर्फ इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर टुमारो। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस ऑनलाइन टीचिंग थ्रू दिस ऑनलाइन वीडियो। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।